अस्पताल जोगिंदरनगर के प्रांगण में आज व्यापार मंडल जोगिंदरनगर ने डॉक्टरों के तबादलों को लेकर प्रदर्शन किया तथा विधायक सांसद व सरकार से मांग की कि विभिन्न डॉक्टरों के तबादलों को रद्द किया जाए। व्यापार मंडल जोगिंदरनगर के अध्यक्ष अजय धरबाल ने कहा कि अस्पताल में डॉक्टरों के खाली चल रहे पद जिनमें गायनी, रेडियोलॉजी, मेडिसिन आदि को शीघ्र भरा जाए। इसी प्रकार आज जोगिंदरनगर विधानसभा क्षेत्र की 1 लाख से ऊपर की आबादी को स्वास्थ्य संस्थानों तक पहुँचने के लिए जो 108 एम्बुलेंस लगाई गई थी जिनमें 2 जोगिंदरनगर अस्पताल और 2 लड़भड़ोल अस्पताल के लिए कार्य कर रही थी उनमें से पिछले 6 महीनों से मात्र 108 एम्बुलेंस ही कार्य कर रही है, बाकी 3 एम्बुलेंस हटा दी गई हैं। कई सालों से जो ब्लड बैंक शुरू नहीं हो पाया है तथा लाखों रुपए की मशीनरी अस्पताल में धूल फांक रही है, इस ब्लड बैंक के न होने के कारण व समय पर खून न मिल पाने के कारण न जाने आज विभिन्न दुर्घटनाओं में कितने लोगों की जान जा चुकी है। अतः व्यापार मंडल मांग करता है कि जोगिंदरनगर सिविल अस्पताल में कार्यरत डॉक्टरों के तबादला आदेश रद्द किए जाएं और डॉक्टरों के खाली पड़े पदों को भी शीघ्र भरा जाए। नगर के बाहर व्यापार मंडल के बैनर तले आज सभी व्यापारी वर्ग, हमारे युवा साथी, जोगिंदरनगर के सभी युवा साथी, जुझारू साथी और प्रबुद्ध जनता ने यहाँ पर इकट्ठा होकर आज प्रदेश सरकार से ये मांग की है, स्वास्थ्य विभाग से ये मांग की है कि पिछले कुछ दिनों से जो जोगिंदरनगर सिविल अस्पताल में डॉक्टरों के तबादलों का जो एक निरंतरता चली है उन तबादलों को रद्द किया जाए, जिसमें SMO कौंडल जी का तबादला है उसको रद्द किया जाए, गायनी की डॉक्टर हैं उनको किन्हीं कारणवश यहां से जाना पड़ा है तो हमारा निवेदन है कि गायनी के डॉक्टर का जो खाली पद है उसको भरा जाए, मेडिसिन के डॉक्टर का पद यहां पे पिछले कई समय से खाली चल रहा है उसको भरा जाए, रेडियोलॉजी के डॉक्टर का पद पिछले कई समय से खाली चल रहा है उसको भरा जाए। और इसी प्रकार हम ये निवेदन करते हैं प्रदेश सरकार से और स्वास्थ्य विभाग से कि लाखों रुपए की कीमत से जो खरीदी गई अल्ट्रासाउंड मशीन है उसको चलवाने की व्यवस्था की जाए, क्योंकि आज आम नागरिकों को जो है महंगे दामों पर बाजार में जाकर अल्ट्रासाउंड के टेस्ट करवाने पड़ रहे हैं। इसी प्रकार मेरा ये भी निवेदन है कि जो लाखों रुपए की ब्लड बैंक की मशीनरी जो सरकार ने कई वर्षों पूर्व लाकर इस अस्पताल में रखी है उस ब्लड बैंक की मशीनरी का उपयोग किया जाए और ब्लड बैंक को शीघ्र अतिशीघ्र शुरू किया जाए, और जो इस आधी मशीनरी सुंदरनगर भेज दी गई है उस मशीनरी को भी यहाँ वापस लाकर ब्लड बैंक को शुरू किया जाए, क्योंकि हमारा मानना है कि कई माओं ने विभिन्न दुर्घटनाओं में खून की कमी के कारण और खून समय पर न मिलने के कारण रेफर होने के कारण टांडा की तरफ रेफर होने के कारण कई माओं ने अपने चिराग जो है खोए हैं, और मैं समझता हूं इसकी जिम्मेवारी स्वास्थ्य विभाग हिमाचल प्रदेश और प्रदेश सरकार की बनती है कि वो इस पर जवाब दे। मैं प्रदेश सरकार से हम सभी ये मांग करते हैं कि जो 108 एम्बुलेंस की सेवाएं, जो 4 108 एम्बुलेंस की सेवाएं जोगिंदरनगर विधानसभा क्षेत्र के लाखों लोगों को घर से लाने, जो बीमारी की हालत में सिविल अस्पताल पहुंचाने के लिए अपनी सेवाएं दे रही थी उनको पुनः शुरू की जाए, क्योंकि पिछले 6 महीनों से हम यहां देख रहे हैं कि 4 उन एम्बुलेंसों में से 3 एम्बुलेंसेस जो हैं 108 वो बंद कर दी गई हैं और मात्र 1 एम्बुलेंस जो है वो लड़भड़ोल क्षेत्र, चौंतरा क्षेत्र और जोगिंदरनगर और रणारोपा क्षेत्र को एक एम्बुलेंस केवल मात्र जो है वो कार्य कर रही है, जो कि एक बहुत ही गंभीर विषय है कि हम चाहते हैं और हम ये मांग करते हैं कि लाखों जनता की इस प्रकार से स्वास्थ्य की जो है वो अनदेखी ना की जाए और सरकार और स्वास्थ्य विभाग जो है वो गंभीर रूप और गंभीर होकर इन सभी मुद्दों को, हमारी मांगों को जो है उनका हल निकाले, ताकि एक आम आदमी को स्वास्थ्य की दृष्टि से जो है वो सही सेवाएँ मिल सके, क्योंकि प्रदेश की जो सरकार है वो जो है सभी लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर जो है सत्तासीन हुई है, तो इस प्रकार की जो अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो जोगिंदरनगर सिविल अस्पताल में, जोगिंदरनगर सिविल अस्पताल लड़भड़ोल में, चौंतरा अस्पताल में तथा विभिन्न डिस्पेंसरियों में जो हमारी कंस्टिट्यूएंसियों में स्थित है, मकरीड़ी है, PSC ब्रह्मण है, इन सभी में जो है वैसे उस प्रकार की सुविधाएं हमें मिलनी चाहिए ताकि लोगों को जो है स्वास्थ्य की दृष्टि से दर दर भटकना नहीं पड़े। जोगिंदरनगर से कैलाश की रिपोर्ट।